السلام عليكم. وعليكم السلام. नदीम भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके पास वो किताब है यजीद बिन मुआविया रदी अल्लाह अन्हु का तहकीकी जायजा? हाँ मैंने शाया, माशाल्लाह अभी है आपके पास वो? हाँ है ना, मैंने शाया किया ना, मेरे पास स्टॉक पड़ा, कितनी चाहिए? अच्छा उसको खोले जरा, वो हाथ में तो नहीं है? हाथ में ले लीजिए ना। नहीं मैं बाहर हूँ घर से। चलो जब आपके पास होगी फिर मैं आपको फोन करूँगा, आप मुझे फोन करिए। अभी बोलो ना क्या है आपको? नहीं जब आपके पास होगी आप मुझे फोन कर रहा है। ऐतराज़ तो बोला जाके देख लूंगा ना, ऐतराज़ मैं आपको देता हूँ ना। हाँ बोलो ना। तो आपने एक बार कहा था कि शेख जुबैर अली गई रहमतुल्लाह ने एक रवायत पे कुछ मेरे को ही कहा था, मैं महताब अर्थ कर रहा हूँ। तो यार ये हदीस मेरे को मिल रही नहीं है बुखारी में। कौन सी? ये है कि यजीद बिन मुआविया का तहकीकी जायजा सफा नंबर 73 में लिखा है कि सैयदना अली और अमीर मुआविया रदी अल्लाह के माबेन मुखालफत की आग बढ़क उठी थी, इस वजह से तरफीन में इस नाचाकी की बिना पर इतनी कुदूरतें बढ़ गई कि एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते थे। सही बुखारी में मौजूद है तो ये मेरे को सही बुखारी में मिली। अच्छा तो ये किताब है आपके पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरा पेज पढ़े हो? जी 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 पूरा पेज वही मैं बता रहा हूँ। नीचे हाशिया वाशिया कुछ है? नहीं नहीं हाशिया में वो शेख मुहिबुल्ला शाह राशिदी उनका हवाला दिया गया। तो फिर आपको एतराज क्या है? हमें ये रवायत नहीं ना मिल रही बुखारी में। नहीं नहीं एतराज किस बात पे? एतराज इस बात पे इन्हें कहा ये बुखारी में रवायत है, हमें ये बुखारी में मिल रही है। यजीद बिन मुआविया का क्यों एतराज किया आपने कि इसकी किताब में? ये तो तुम्हारे आलिम उस्ताद की किताब, उस्ताद की उस्ताद की किताब में है ना? नहीं हमारे तो उस्ताद नहीं है। कौन से उस्ताद के उस्ताद? जिनका हवाला दिया गया है जुबैर के उस्ताद नहीं है? शेख मुहिबुल्लाह शाह राशिदी। हाँ रहमतुल्लाह अलैह। चलो अगर उन्होंने लिखा था तो बयान करना था कि उनसे खता लगी, गलती लगी। नहीं नहीं भाई फिर आप एतराज पढ़ के नहीं आते हो, समझ के नहीं आते हो, शुरू कर दे तो आपको आलिम कैसे बनाया? हम तो ये कहते हैं ये उनसे खता लगी तो शेख जुबैर अली जही रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई खता लग जाए तो कर देते हो। सुनिए पहले सुन लीजिए, आप जो एतराज करने आए थे एतराज का जवाब चाहिए या बड़ा निकालने आए? मेरे को ये यजीद बिन मुआविया किताब का हवाला देने की क्या जरूरत है? वो तो आपके आलिम साहब की, आलिम साहब की गलती है, उनकी खता है या किसी प्रेस वाले की गलती है, आप जवाब दो। यजीद बिन मुआविया का सवाल क्यों है? उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। वो सही मुस्लिम में भी रिवायत है, वो रिवायत सही मुस्लिम में है कि नहीं? इस्मा या अखी इस्मा, मैं आपको जवाब देता हूँ ना उसका। अरे अरबी है ना, तुम्हारी जैसे रोज पढ़ाता हूँ मैं, वो रिवायत मुस्लिम में भी है ना? अंता इमरातुल रिवायत तुम बुखारी में ढूंढ रहे हो, मुस्लिम में है कि नहीं? मैं आपको दे रहा हूँ ना जवाब, दे रहा हूँ आप सुने तो। अरे तुम जवाब मेरे लेने आए थे कि देने आए थे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी का कोई मसला होगा, गलत बयान किया होगा, हजर अस्कलानी का मसला है, गलती हुई। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तामुल से सुनो ना, तामुल से सुनो कि जो मनहाज की मुखालफत करे और एक से गलती हो, ये दोनों में बहुत फर्क है। तामुल से सुनो ना, तामुल से सुनने की जरूरत नहीं है, मनहाज पे हमले नहीं करते कोई, वो तहकीक में गलती होती है, तहकीक में किसी से भी हो सकती है। तो मैं भी और एक मनहाज के खिलाफ काम करना वो अलग मसला है। तो ये आप ही तो रद्द है, शेख जुबैर अली गई रहमतुल्लाह अलैह से कोई गलती होती है तुम उसको कहते हो? तो मनहाज के खिलाफ, मनहाज के खिलाफ है ना वो, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये बोला, मनहाज के खिलाफ किया ना उन्होंने। क्या क्या मनहाज के खिलाफ की बताओ? क्या अब क्या बताओ, तीन दिन कुर्बानी, तीन तलाक, कितने तो मसाइल। मैंने दलाइल दिए ना हजरत अली से तीन दिन कुर्बानी के। अच्छा वो लो, ये हमारा मनहज है हजरत अली का की बात, ये हमारा मनहज है, ये तो बता रहा हूँ। आप लोग मौजूदा असर मत बोला करो ना भाई, झूठ बोलते ना आप लोग। तहकीक में आप गलती, तहकीक में बेशुमार गलती मानने के बाद मौजूदा असर बोलना बहुत बड़ा धोखा है। साहबा कराम भाई, साहबा कराम बहुत सारी गलतियाँ मानते हो, मौजूदा असर मत बोलो।
बोला हाँ हमारे आलिम थे, ठीक है हाँ मुहद्दिसुल असर हैं, ऐसी गलती नहीं होती कि मनहज बिगड़ जाए। कौन सा मनहज बिगड़ गया बता दें, क्या मनहज बिगड़ गया बताएं भाई, इसीलिए तो बोलना यार आप, मैं आप आलिम हो, आप आलिम बन रहे हो, आलिम हो बताओ मुझे। मैंने आपको कहा कि ये हदीस मौजूद ही नहीं है बुखारी में, तो मुस्लिम में होगी, उसे हमारी किताब का क्या लेना देना है, वो जो आपका हवाला लिखा है हमने वो नकल किया है, वो तुम्हारा हवाला गलत हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। हवाला बुखारी का दिया ना इन्हें, अपने तुम अपनी उस्ताद की किताब में जाके देखो, वहाँ वही हवाला होगा। ये किताब के रद्द में लिख रहे हैं ना किताब, ये तुम्हारा गलत हवाला है ना, हमारा थोड़ी है, तुम जवाब दो, तुमने कैसे गलत हवाला दिए। तो वहाँ पर तो कोई चीज बयान ही नहीं की कि गलत हवाला है कि नहीं है, ये तो है ना, तुम आजकल ये पीडीएफ बना लेते हो, उसमें चेंजेस कर देते हो, ये क्यों करते हो। चलो आप किताब खोलो, मैं एक बात बताओ, तुमने जुबैर अली जही ने शेख अल्बानी को जालिम लिखे थे, शेख अल्बानी को इन्होंने जालिम लिखे थे, अभी तुमने नहीं पीडीएफ में जालिम लफ्ज उड़ा दिए, कहाँ पर लिखा, कहाँ पर लिखा, मालूम नहीं अपने उस्ताद के बारे में, कहाँ पर आया शागिर्दों से पूछो। काला शेख यकूल शेख जुबैर अली जही रहिमहुल्लाह ये इनके बारे में कहते हैं, शेख अल्बानी के बारे में, मुहद्दिसुन मुहक्किकुन तद्दीकुन, बड़ा अगर मत करो मुकलिद भी ऐसी तुकबंदी करते हैं, समझे ना, यूट्यूब पे मौजूद है ना, तहकीक के मसले में जब बात हो उसूलों पर कायम रह करो, नहीं तो जुल्म हो जाते हो, अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। एतराज कर दी किताब तुम्हारी है, तुम्हारी किताब से हवाला दिया गया, उसमें गलत हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी सुनो तो सही, अगर हमारी किताब से हवाला दिया हो गलत, वो हमारे रद्द कर रहे नहीं है, वो इसकी तायद कर रहे हैं हवाले की, ये है बुखारी में, देखें तो सही। नहीं और मुस्लिम में होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी भाई, आप क्यों सीधा बोल देना, खत्म होगी मामला, खत्म हो रहा हूँ आपको, शेख कफायतुल्लाह सनावली उन्होंने उसमें तहकीक ही नहीं किया ना, क्या क्या तहकीक नहीं की, तहकीक नहीं किया हवाला, जो तुम्हारी किताब में लिखा है वो सही है ना होगा। अरे अरे मुस्लिम, अरे वो जमा कर रहे हैं दलाइल, जमा कर रहे हैं दलाइल, जमा कर रहे हैं ना, वो बात क्या जो सही एन में है, तो आदमी कई बार बोलता सही एन में है तो बात खत्म, बोल तो सही एन में नहीं है ना, उन्होंने कहा कि सही बुखारी में है, सही बुखारी सही मुस्लिम में होगा, वो जो तुम्हारी किताब का हवाला लिखा है ना, वो आप तो सही बुखारी सही मुस्लिम है, तुम्हारा सर दर्द है, तुम्हारे को जाता जाता नहीं, और सीखे सब बात करने का तमीज नहीं है तुमको, बात ही तो कर रहे हो भाई, क्या सीखे दो पहले से इनको पढ़ के, कैसे बात करते हो मुकल्लिदों से, ऐसे ही नहीं आप बताए ना, मैंने क्या यार आप मेहताब क्या तौबा करो, इस्तगफार करो, उलू करने छोड़ो, आप बताएं तो सही, आपने अभी तक गम्मी बातें करके मत आया करें, आप सिला वजह अपनी से अभी तक मजबूर अपनी शक्ति को मजबूर कर लेते हो, नहीं अपनी शक्ति ये तो नहीं, आप ये चलो नहीं कर पाए थे, मुकल्लिद वाली हरकत मत करो, तुम दुबई जैसे आपका दिफा करने के चक्कर में अपनी शख्सियतों को मजबूर कर ले रहे हो, नहीं वो तो मैंने अंदर मोहब्बत नहीं होना चाहिए, मैंने आप पे तीन हवाले अभी तक कर्ज छोड़े हुए, वो तीन जो मैंने किस्से पकाओ मत यार, पकाओ मत, एक अभी जवाब मुकल्लिद वाले जुमले कर्ज छोड़े, मुकल्लिद भी ऐसे गले पड़ते, एक साल हो गया तूने जवाब नहीं दिया, नहीं वो तो तुम ही अपनी आड़ियों में कहते हो।